नमस्कार, तो चलिए रुक करते हैं मौसम की ओर। तो मौसम फिर से करवट लेने जा रहा है, बारिश लौटने वाली है। आशंका है कि बारिश हुई तो फिर से मौसम में ठंड बढ़ सकती है। अगले चार दिनों में यूपी पंजाब सहित कई राज्यों में बारिश हो सकती है। हालांकि गर्मी पहले से ही काफी बढ़ चुकी है, धूप में तेजी इतनी है कि उसमें अब थोड़ी देर भी खड़ा होना मुश्किल हो जाता है। पिछले 24 घंटे में रहे मौसम की बात करें तो सिक्किम और आंध्र प्रदेश के नॉर्थ कोस्टल इलाके को छोड़कर पूरे देश में मौसम शुष्क ही रहा। हालांकि इन जगहों पर छिटपुट हल्की बारिश हुई है। वहीं जम्मू कश्मीर, मुजफ्फराबाद और गिलगिट बाल्टिस्तान के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक ऊपर बना हुआ है। तो चलिए जानते हैं मौसम के अपडेट के बारे में। रिपोर्ट के अनुसार जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मुजफ्फराबाद, गिलगिट बाल्टिस्तान और हिमाचल प्रदेश में 10 से 12 मार्च के बीच बारिश हो सकती है। इसके बाद फिर 14 मार्च को हल्की बारिश होने के आसार हैं। कई जगहों पर बर्फबारी भी हो सकती है। हालांकि 13 मार्च को बारिश और बर्फबारी तेज हो सकती है। जान लें कि 11 और 12 मार्च को उत्तराखंड में भी हल्की बारिश होने की संभावना है। यहां बर्फबारी भी संभव है। इसके बाद 13 और 14 मार्च को बारिश और बर्फबारी में तेजी बढ़ सकती है। वहीं 13 मार्च को वेस्टर्न हिमालय के क्षेत्र में गरज के साथ बिजली गिरने की संभावना है। वहीं केरल और आंध्र प्रदेश के नॉर्थ कोस्ट पर भी हल्की बारिश संभव है।